मॉर्निंग क्लास सिक्स आज हम मैथ्स पढ़ेंगे बेटा। हमारा मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5 ही करेंगे बेटा। एक्सरसाइज 5 ही हमसे कह रही है कंपेयर द फ्रैक्शन बाय यूजिंग ग्रेटर देन स्मॉलर देन एन इक्वल टू साइन। देखिए बेटा, अब हमें बताना है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। 3/7 एंड 2/7 बेटा, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं 3 बड़ा है या 2। इसमें तो हमें पता चल गया 3 बड़ा था, लेकिन पार्ट बी देखिए 5/8 एंड 1/3 है। इसमें कैसे पता करेंगे कि 5/8 बड़ा है या 1/3 बड़ा है? इसके लिए क्या करते हैं बेटा, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से एंड 8 का 1 से। 5 3 15 एंड 8 1 8, तो किस साइड ज़्यादा आया बेटा हमारा? इस साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ज्यादा आया, इसलिए लेफ्ट साइड वाला हमारा बड़ा हो गया। सी पार्ट है इसका 8/9 एंड 8/9, तो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कंपेयर करवा रहा है। कंपेयर का मतलब भी वही होता है जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं 7/10 एंड 5/8 का करना है। तो 7 का मल्टीप्लिकेशन 8 से कर देंगे एंड 10 का मल्टीप्लिकेशन 5 से कर देंगे। 7/8 हमारा 56 होता है एंड 10/5 होता है। तो अब यहाँ पे इक्वल टू का तो साइन आना नहीं चाहिए, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा बेटा? इस तरह से, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए 7/15, 3/4, 1/8 एंड 2/10। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारे डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं 15, 4, 8 एंड 10। 2 की टेबल से देते हैं 15, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अगेन 2 की टेबल से 15, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 5। अगेन 2 की टेबल से 15, 1 एंड 1 एंड 5। देन हम 3 की टेबल से दिया तो 3 5 ज़ा 1, 1 एंड 5। 5 की टेबल से दिया 1, 1, 1 एंड 1। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 5 ज़ा होता है 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 एंड 12 120। एलसीएम आ गया बेटा हमारे पास 120। 15 का हम डिवाइड करेंगे बेटा 120 से, तो हमारा 15 8 ज़ा होता है 120, तो 8 7 ज़ा हो गया 56। देन 4 का 120 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, 33 ज़ा 90। 8 का हम 120 से करेंगे तो बेटा, सॉरी 4 का जब हमने 130 से करा तो 30 आ गया। अब 8 का जब हम 120 से करेंगे तो बेटा हमारा आ जाएगा 15, 15 1 ज़ा 15। 10 का करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 2 ज़ा 24। सबसे छोटा कौन सा है अब हमारे पास? 15, देन 24, देन 56 एंड देन 90। 15 वाला कौन सा था? 1/8। 24 वाला कौन सा था? 2/10। 56 वाला कौन सा था? 7/15 एंड 90 वाला था हमारा 3/4। ये हमने अरेंज कर दिया बेटा असेंडिंग ऑर्डर में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है बेटा अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है 1/4, 3/4, 2/7 एंड 3/8 का। हम एलसीएम लेंगे 4, 4, 7 एंड 8 का। 2 से दिया 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 7 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। अगेन हमने 2 से दिया 1 टाइम, 1 टाइम, 7 टाइम एंड 2 टाइम। अगेन 2 से दे रहे हैं बेटा 1 टाइम, 1 टाइम, 7 टाइम एंड 1 टाइम। अब 7 तो किसी की टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने डायरेक्ट 7 से दिया 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम एंड 1 टाइम। 2 का 2 से करा 2 2 ज़ा 4, 4 का 2 से करा 4 2 ज़ा 8 एंड 8 7 ज़ा 56। बेटा 4 का हमने डिवाइड करा 56 से, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, 14 आया, 14 1 ज़ा 14। 4 का हमने 56 से अगेन डिवाइड करा तो हमारा 14 आया एंड 14 3 ज़ा होता है हमारा 42। 7 का 56 से करा हमने 8 8 2 ज़ा 16, 8 का 56 से करा 7 7 3 ज़ा 21। अब देखिए हमारे पास सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा था? 42।
देन 21, देन 16 एंड देन 14. 42 वाला कौन सा है बेटा हमारे पास 3/4. 21 वाला कौन सा है हमारा 3/8. 16 वाला हमारे पास बेटा कौन सा है 2/7. एंड 14 वाला कौन सा है बेटा हमारे पास 1/4. इस तरह से एक्सरसाइज 5E को करिएगा बेटा. कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कंसर्न कीजिएगा. थैंक यू क्लास.